am an English trainer. So welcome back to my YouTube channel. So guys, today I would like to discuss about some special topics, use of I, me, my, myself. So guys, आज मैं I, me, my, myself पे डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे हम my का यूज करते हैं, कैसे हम I का यूज करते हैं, कैसे हम me का यूज करते हैं, कैसे हम myself का यूज करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो गाइज, मैंने यहाँ पे जो टॉपिक को नाम दिया है यूज ऑफ I, me, my, myself. Getting? I, me, my and myself. Or I means मैं या मैंने. तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं या मैंने. Getting? Me means मुझे या मुझको. मुझे या मुझको. Getting? My means मेरा, मेरी, मेरे. और my का मतलब एक और होता है अपना, अपनी, अपने. Getting? और myself स्वयं मैं या स्वयं मैंने. Getting? तो आज मैं आपको I, me, my और myself के बारे में डिस्कस करूंगा. सो गाइस, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक रूल लिखा है यहाँ पे. Getting? और सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे I. और I का जो मतलब होता है गाइस यहाँ पे, मैं और मैंने. मैं ये करता हूं, मैं ये करूंगा और मैंने ये किया, पास की साउंड देने के लिए. Getting? उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में आपकी इज, अ, मार, डू, डज और वर्ब भी आपके अकॉर्डिंग टू टेंस यूज की जाएगी. जैसा टेंस वैसी वर्ब. देन ऑब्जेक्ट. अब फॉर एग्जांपल देखिए गाइस यहाँ पे. गेटिंग? कि आई गो टू मार्केट. तो आई क्या है? एज ए सब्जेक्ट. एज ए सब्जेक्ट हम यहाँ पे आई का यूज कर रहे हैं कि आई गो टू मार्केट. आई वेंट टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट. तो आई का मतलब है मैं या मैंने. कि मैंने कल खाना खाया. तो आई एट फूड यस्टरडे. यहाँ पे आई का मीनिंग क्या निकला? मैंने. अब मैं मार्केट जाता हूँ, I go to market. मैं मार्केट जाता हूँ. तो I के दो साउंड है, मैं और मैंने. I hope you understand. Next rule लिखा guys मैंने यहाँ पे. Getting? Rule लिखा है यहाँ पे my. और my का जो मतलब है guys यहाँ पे, my का मतलब है यहाँ पे मेरा, मेरी और मेरे. उसके बाद आपका noun आ जाता है. Noun कैसे? Person, कोई चीज, thing. Getting? और कोई व्यक्ति, thing, animal, कोई चीज. ये चीज आपकी नाउन के रूप में आती है. उसके बाद लिखा गाइस मैंने यहाँ पे ओ डब्ल्यू. ओ डब्ल्यू को बोलते हैं अदर वर्ड्स. अब देखिए फॉर एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे माय ब्रदर. तो माय का मतलब मेरा, मेरी, मेरी. ब्रदर मीन्स नाउन है. माय ब्रदर इज इन कॉलेज. मेरा भाई कॉलेज में. आई एम हियर. आई एम विथ यू. आई एम विथ यू. गेटिंग? मीन्स माय ब्रदर इज इन कॉलेज एंड माय सिस्टर इज गोइंग टू मार्केट. मीन्स मेरी सिस्टर. Getting? My pen is black in color. तो मेरी पेन. तो यहाँ पे किसका साउंड दिया मैंने? मेरा, मेरी और मेरे का साउंड दिया. और उसके my के बाद क्या आ जाएगा? आपका noun आ जाएगा. My pen, मेरी पेन. My brother, मेरा भाई. My sister, my book, my knowledge. Understood? I hope you understand. Next rule लिखा guys मैंने यहाँ पे. सबसे पहले subject लिखा. Subject already you know, I, we, they, you, he, she, any name. फिर उसके बाद verb. जैसा verb वैसा, जैसा tense वैसी verb. Noun, noun में मैं आपको किसी प्लेस, चीज, पर्सन, एनिमल का यूज कर सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, डू, डज. और यहाँ पे मी का यूज करें. मैंने बोला था मी का यूज करेंगे. और मी को हिंदी में बोलते हैं मुझे या मुझको. मैंने कहा रवि टॉट मी. रवि ने मुझे पढ़ाया. रवि ने मुझे पढ़ाया. या ही कॉल्ड मी. उसने मुझे कॉल की. उसने मुझे. तो मी का साउंड क्या है गाइस यहाँ पे? मुझे या मुझको. उसने मुझे कॉल की. एंड सी टोल्ड मी. उसने मुझे बताया. रवि टोल्ड मी. रवि ने मुझे बताया. तो मी का मतलब क्या है यहाँ पे? मुझे या मुझको. आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आई, मी, माई और माई सेल्फ पे. नेक्स्ट रूल लिखा गाइस मैंने यहाँ पे. सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद वर्ब. जैसा टेंस वैसी वर्ब. देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद लिखा मैंने यहाँ पे माई सेल्फ. क्या लिखा यहाँ पे? माई सेल्फ. माई सेल्फ मीन स्वयं मैं या स्वयं मैंने ये काम किया. गेटिंग? और फॉर एग्जाम्पल देखिए गाइस. I did this. मैंने यह किया. पास में I did this work myself. मैंने स्वयं यह काम किया. I did this work myself. I washed my clothes myself. या I cooked breakfast myself. I hope you understand. तो myself का यूज क्या है यहाँ पे? Myself का जो मतलब है स्वयं मैं या मैंने. I hope you understand. Next rule और last rule है गाइस यहाँ पे लिखा दी मैंने. सबसे पहले लिखा subject. और सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा वर्ब. जैसा टेंस वैसी वर्ब. देन ऑब्जेक्ट. गेटिंग? और यहाँ पे माय का. तो जो माय का यहाँ पे मतलब है गाइस यहाँ पे
माई का मतलब है अपना, अपनी और अपने के रूप में, देन नाउन, नाउन एड करना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना आपने। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए गाइस, यहाँ पे आई वेंट सब्जेक्ट है, आई वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म है। आई वेंट टू मार्केट, मार्केट टू मार्केट क्या है ऑब्जेक्ट, विद माई सिस्टर, और माई का मतलब अपना अपनी अपने, माई का मतलब है यहाँ पे गाइस अपना अपनी अपने, कि मैं अपनी बहन के साथ मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट विद माई सिस्टर। सो गाइस मैंने आपको यहाँ पे आई मी माई और माई सेल्फ का यूज कराया है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइस यदि आपको वीडियो की स्क्रीनशॉट लेनी है आप ले सकते हैं, सो गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आती प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसी के बगल में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। वन मोर रिक्वेस्ट टू यू गाइस, प्लीज वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि जिन भी लोगों ने आज तक ऐसी वीडियो नहीं मिली है, जिन लोगों को सीखने के लिए ऐसी चीजें नहीं मिली है, उन लोगों तक ये पहुंच जाए। सो गाइस मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन नाइस मीटिंग टू एवरीबॉडी, थैंक यू।